नया नया गाड़ी, नया नया मॉडल का गाड़ी आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, ठीक है। लेकिन इसके जैसा गाड़ी मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है आप लोगों ने पहले देखा होगा, लेकिन रिसेंटली नहीं देखा होगा। हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये जो एरिया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा फुल्ली जंगल वाला एरिया है, ठीक है। आज हाँ, तो आज एक गाड़ी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे सामने है बहुत ही पुराना मॉडल, ठीक है, RX 100, जो कि झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था। तो झारखंड बिहार अलग हुआ था 2000 में, ठीक है। और ये गाड़ी आपका 1900 से 2000 के बीच में पूरा फुल पॉपुलर में था। लेकिन अभी तक इस एरिया में अगर किसी का गाड़ी है, ठीक है, तो यही है। दूसरा गाड़ी मेरे को अभी तक दिखा नहीं है। तो ये जैसे कि देख पा रहे हैं, ये गाड़ी 1800 शताब्दी का है। लेकिन आप लोग, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि नया नया गाड़ी, नया नया मॉडल का गाड़ी आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, ठीक है। लेकिन इसके जैसा गाड़ी मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है आप लोगों ने पहले देखा होगा, लेकिन रिसेंटली नहीं देखा होगा। तो आज इस वीडियो में आप लोग देखिए। तो यार यहाँ पे आप लोग जैसे इसका फ्रंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये पुराना 12 वोल्टेज का डूम, ठीक है, थोड़ा बहुत लाल लाल लाइट देता है, लेकिन गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक है। और चाका के बारे में अगर बात करते हैं, ये जो रिंग वाला चाका, ठीक है, अभी तो एलॉय वाला सिस्टम आया है। और ये मोटा मोटी एक स्प्लेंडर गाड़ी में जितना बड़ा साइज होता है ये सेम है, ठीक है। इंजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है जो कि इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 98 cc, ठीक है। एक स्प्लेंडर गाड़ी में 97 cc का होता है, लेकिन रेसिंग करके हम लोगों ने देखा कि ये मिनिमम नहीं भी तो 160 का जो गाड़ी होता है उसको भी टक्कर देता है। तो ये वाला सिस्टम है। और तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे एक्चुअली ये RX 100 जो है यामाहा का, ठीक है, ये एक्चुअली पॉपुलर इसीलिए था कि चोर लोग जो है इसको व्यवहार करता था, हैं, कि चोरी किया तुरंत भाग गया। इसका जो आवाज़ है वह वाकई कमाल का है। तो आवाज़ भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन गाड़ी का कंडीशन आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, इधर रोंग फोंग उठा हुआ है, लेकिन इंजन पूरा चकाचक है अभी तक। लेकिन ये क्या बोलते हैं, आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकते हैं, आप लोगों का अगर NS है, स्प्लेंडर प्रो है, सुपर स्प्लेंडर है, तो आप लोगों के साथ रेसिंग करने के लिए भाई तैयार है भाई। छोटा सा दिखता है, हाइट में थोड़ा बहुत छोटा है, लेकिन हरा के रख देगा। तो यार जैसे कि मैंने इस गाड़ी का जो साइज है, ठीक है, इसका हाइट उतना नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कितना देखो इसका हाइट के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, पूरा मेरा वाला पैर जो है अच्छा से नीचे तक आ रहा है, और जो जिसका साइज थोड़ा बहुत छोटा है उसका भी नीचे तक आ जाता है। और इसका मतलब चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन एक बात है 2 स्ट्रोक है, लेकिन इसमें मोबाइल पहले डाला करता था, इसको ऐसा सिस्टम कर दिया है अभी मोबाइल नहीं डालता है, डायरेक्ट पेट्रोल इसमें डालना होता है। अभी जैसे कि BS6 वाला गाड़ी में होता है, या आपका एमनी नॉर्मली गाड़ी में होता है, ठीक है। इसका लुकिंग ग्लास तो वैसे ही हर गाड़ी का लुकिंग ग्लास सेम होता है। इसका इंजन वाकई 197 cc का है, लेकिन ताकत 200 cc के बराबर होता है। और इसका जो स्पीड है यहाँ पे मिनिमम 160 के करीब करीब जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर जो है 120 के करीब, हाँ 120 है, लेकिन 160 मतलब आपका 160 वाला जो गाड़ी भागता है उसके बराबर उसको टक्कर दे सकता है। तो आप लोग के मन में यही बात आ रहा होगा कि एक RX जो कि यामाहा का RX बहुत ही पुराना मॉडल है, यहाँ पे पीछे आप लोग देखिए, देखो यहाँ पे नंबर प्लेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बिहार का है, ठीक है, लेकिन अभी भी बिहार है, लेकिन अभी बिहार झारखंड अलग हो चुका है, और अभी हम जो है झारखंड के एरिया में है। लेकिन इस गाड़ी का अभी कागज पत्र कुछ नहीं है, और फिर पुलिस जो है थोड़ा बहुत परेशानी कर सकता है, इसीलिए कि कागज पत्र कुछ नहीं आ रहे भाई, उतना पुराना गाड़ी का कागज पत्र संभाल के रखना नामुमकिन होता है। अभी कितना घर चेंज हो चुका है, गाड़ी वही है, ठीक है। और यही बात पुलिस लोग साला समझता नहीं है। अरे भाई, ये लोग ये सब गाड़ी जब हम लोग चला रहे हैं ना,
तो यकीन मानो चोरी फोरी करके नहीं चला रहे हैं, ठीक है। ये अपना ही गाड़ी है, लेकिन मेरा अपना नहीं है। फिर सिर्फ ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अभी मेरे को इसको चला के जितना मज़ा आया, इसका जो आवाज़ है थोड़ा आप लोगों को सुनाते हैं। देखो एक किक में अभी तक तो स्टार्ट हो जाता है, किसी भी गियर में रहे देखा। इस गाड़ी का आवाज़ भी खतरनाक है। अभी तो जितना भी गाड़ी बना है उसमें ऐसा आवाज़ कभी आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। ये अभी हम लोगों का जो गाड़ी का सिस्टम है, चाबी वाबी नहीं है, डायरेक्ट सिस्टम है। और इसको गियर में थोड़ा बहुत क्लच छोड़ देने से बंद हो जाता है। और क्लच पकड़ के किसी भी गियर में रहे, चार नंबर या पाँच नंबर या आठ नंबर तो नहीं है, ठीक है, चार नंबर तक है। और 107 नंबर ओनली फॉर 97 सीसी का जब गाड़ी है तो 7 नंबर सीसी का ही होगा ना, तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पिकअप के बारे में, जैसे कि किसी भी गाड़ी को टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं इस गाड़ी में, तो यही वाला बात है। तो यार आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं जंगल में। तो फिर कभी आप लोगों को रेसिंग फेसिंग इसका दिखाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट कभी, मैं मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।